वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सबसे पहली चीज़ कि अभी आप देखिए रात के बज रहे हैं 11। तो बस मैं, डैडी, मम्मी और अयान निकल रहे हैं मार्केट। मैं जल्दी जल्दी से ऑफिस से आई और बस खाना पीना खाया मैंने, अयान भी खा लिए हैं और मम्मी के हाथ में आप बॉटल वगैरह देख ही रहे हैं हमेशा की तरह। बस डैडी अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, इसलिए आपको मैं गाड़ी में बैठे हुए नहीं दिख रही होंगी। तो बस हम लोग पहुँच गए मार्केट। ये वाला ग्रीन वाला निकाली ना, वो देखिए जो पीछे है, है ही नहीं। अरे रात के बज रहे हैं 11, आप ये देख रहे हैं रात के 11 बज रहे हैं और मुझे अभी टाइम मिला हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी रात के 11 बज रहे हैं तो मैं अभी शेयर कर लूँ, क्योंकि फिर मैं सोचती रह जाती हूँ और वैसा का वैसा ही सामान पड़ा रहता है। अभी आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, लास्ट ब्लॉग मैं अभी शॉपिंग करके लेके आई हूँ, बट मैं क्या शॉपिंग करके लेके आई मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, अयान के वजह से भी, मेरी जॉब के वजह से भी। तो अभी मुझे रात के 11 बजे टाइम मिला, आप देख रहे हैं, मैंने अभी जस्ट आपको वॉच दिखाई, देखिए 11 बजने वाले हैं रात के। और बस आप ये पीछे सामान देख रहे हैं मैं क्या क्या शॉपिंग करके लेके आई हूँ, ये देखिए आप, ये सारे देखिए, ये मैं अभी आपको पूरा दिखाऊंगी। ये मैंने, बहुत ज़्यादा वायरस फैल रहा है तो इसलिए गवर्नमेंट फिर से लॉकडाउन करने का प्लान कर रही है, और अभी तो बिल्कुल स्टॉक नहीं है, इसलिए फेस्टिवल्स भी आने वाले थे, तो हम लोगों को जो जो चीज़ सही लगी हम लोगों ने शॉपिंग कर लिया। तो आप ये देख रहे हैं पूरी शॉपिंग की हुई चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ फ़र्स्ट ऑफ ऑल शेयर कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ फिर बातें करती हूँ। तो आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये देखिए ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे फैला करके रख दी हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने के बाद ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठे करके रख दूँगी। देखिए सारा सामान मैंने जो ख़रीदा है, बैंगल्स से ले करके मेकअप का जो भी मैंने सामान ख़रीदा हुआ है, जो स्टॉक में घर में नहीं था, और मेन थिंग मार्केट में भी अवेलेबल इतने नहीं है यार, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जो अभी मिल रहा है वो मैं ले ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार मार्केट भी ना आना पड़े और फेस्टिवल्स भी आ रहे। पी सारे सामान देख रहे हैं, तो जो भी मैंने ख़रीदा तो मैंने सोचा कि शेयर कर ही लूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग, कॉटन बॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेकअप के लिए, ये हिमालय का फेस वाइप्स और बिंदी के कलेक्शंस आप देखिए, ये मैंने प्लेन बिंदी खरीदे हैं क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए जाना पड़ता है और मैं मोस्टली प्लेन बिंदी ही लगाती हूँ, और ये फेस्टिवल्स वगैरह हैं ना फ्रेंड्स, इसलिए देखिए ये वाली मैंने कलरफुल बिंदी खरीदी है, आप ये देखिए ये सब बिंदी है मैंने खरीदी हुई है, फेस्टिवल के लिए खरीदी है, तो मैंने सोचा ये सिंगल बिंदी है और ये सारे फेस्टिवल्स के लिए मैंने ख़रीदा है, और ये भी प्लेन बिंदी है, मैंने थोड़ा सा बड़े में करके ख़रीदा है इसलिए, क्योंकि मैं कुमकुम भी यूज़ करती हूँ। देखिए इसमें मैंने बिंदी और कुमकुम का यूज़ किया हुआ है अपनी बिंदी के लिए, और कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इसीलिए आप हमेशा प्लेन बिंदी अपने घर में रखिए और कुमकुम भी रखिए। मैं डेफिनेटली और भी बहुत सारे डिज़ाइन आप लोगों के साथ अपने आने वाले वीडियोस में शेयर करूँगी बिंदी के। देखिए ये मैंने लंबी में ख़रीदा है, ये अच्छा लगता है, अब देखिए मैं सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ वन बाय वन, देखिए वीडियोस लंबी ना हो इसलिए। अच्छा ये इयररिंग्स देखिए, अभी क्योंकि रक्षाबंधन आने वाले हैं इसलिए मैंने ये इयररिंग भी ख़रीद लिया, ये मुझे 85 रुपीज़ का पड़ा है, देखिए आप रेट भी देख रहे होंगे, थोड़ा सा वीडियोज़ पता नहीं, आई डोंट नो क्यों ब्लर आ रहा है, ये 85 रुपीज़ की इयररिंग है, थोड़ा सा डिफरेंट लगा इसलिए मैंने इसे ख़रीद लिया, और बार बार मार्केट आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मैंने ये देखी, ये मैंने ख़रीदा है प्राइमर, अभी मैंने ओपन नहीं किया, ये देखिए आपको, हाँ ये देखिए ये ओपन है, ये तो प्राइमर है अभी फ्रेंड, ये मेकअप रिमूवर है, इन सबका रिव्यूज़ मैं जल्दी ही आप लोगों को दूंगी, ये देखिए मेकअप रिमूवर, इसको देखिए मैंने अभी ओपन नहीं किया हुआ है, टाइम नहीं मिल पाया मुझे। और ये सारी चीज़ें आप देखिए, ये बायोटेक का है आपका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, ये भी सारी स्किन्स के लिए है, ये आपका गुलाब जल है, आप ये देख रहे हैं गुलाब जल, ठीक है।
मैंने सब खरीद ही लिया, बड़ी बड़ी बॉटल्स मैंने इसलिए खरीदी क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक है। ये हैंड सैनिटाइज़र भी मैंने खरीदा है क्योंकि इम्पॉर्टेंट रहता है। ये है आपका टोनर, स्किन टोनर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अगर मेकअप रिमूव करना चाहते हो या फिर मेकअप स्टार्ट करना चाहते हो या फिर नाइट में भी आप नॉर्मल लगा सकते हो। इससे जो भी आपके फेस में डर्ट पार्टिकल्स हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड, ये है आपका आपका अयूर का फ्रेंड्स डीप क्लिनज़र है, ये आप ये देख रहे हैं। तो ये भी मेकअप के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये सारी चीज़ें मैंने मेकअप के लिए ही ऑलमोस्ट ख़रीदी हुई हैं। और देखिए नए नए मैंने न्यू नेल पेंट्स ख़रीदे हैं, मतलब मैंने फेस्टिवल के हिसाब से ख़रीदे हैं। ये एक ब्राउन भी है, ये पर्पल है, डार्क पर्पल, ये आपका ग्रीन है, थोड़ी सी ग्लिटरी वाली ग्रीन आप ख़रीदी। मैं सारे का रिव्यूज़ दूँगी जल्दी ही, लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ जल्दी जल्दी ये दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करके लेके आई। रेड कलर इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, फेस्टिवल में भी तीज आने वाला है और भी जन्माष्टमी, ये सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। ये रेड और ये पिंक वाला भी है, ये भी ग्लिटरी वाला है। इन सारे नेल पेंट्स के मैं आपको आने वाली वीडियोस में जल्दी ही मैं रिव्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोगों को पता चले कि कैसे कैसे लग रहे हैं। या आई शेडोज़ वगैरह देखिए, मैं स्विस ब्यूटी का लेकर के आई हूँ, देखिए ये भी नया है। और इन सारी चीज़ों का जब मैं अभी मेकअप ट्यूटोरियल जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो सारी चीज़ें आपको दिखेगा। ये देखिए मैंने मेकअप ब्रश भी ख़रीदा है फ्रेंड्स, ये देखिए सारे मेकअप ब्रशेज़ हैं। ये आपका अर्बन डिके का है, आप ये देखिए सारे टाइप्स के मेकअप ब्रशेज़ हैं इसमें, सारे टाइप्स के ये देख रहे हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके साथ एक बॉक्स भी दिया हुआ है, आप इसको दिखाती हूँ, देखिए इसके साथ एक बॉक्स भी दिया हुआ है। अगर आपको रखना है तो आप इसमें रख सकते हो सेफली, तो मैं रखूँगी अभी, हालांकि मैंने दिखाने के लिए आप निकाल के रखा हुआ। ये देखिए सारे ब्रशेज़ हैं, ग्रिसलिन है, मैंने इसको खोला भी नहीं, अभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो ये ग्रिसलिन भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने स्पंज लिया हुआ है नहाने वहाने के लिए, या फिर आप फेशियल वगैरह करते हो घर में तो ये स्पंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे हो फ्रेंड्स, मतलब मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्या क्या है। ये देखिए आईलाइनर मैंने ले लिया है, लैक्मे का है ये आईलाइनर, ठीक है, लैक्मे का मैंने आईलाइनर लिया है, ये अच्छा है। मैंने लिवॉन का सीरम भी ले लिया है क्योंकि नहा करके आओ, कोई भी फेस्टिवल वगैरह आप इसे लगाओ बहुत अच्छा लगता है। सारा है ये आई मस्कारा है, इसके साथ ही आपका आई पेंसिल, सॉरी आईलाइनर फ्री मिला हुआ है। ये मैंने डेजलर का भी ले लिया, उसके बाद मैंने एक अलग से डेजलर का भी पेंसिल लिया हुआ है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बार बार मुझे मार्केट बिल्कुल भी ना जाना पड़े। ये मैंने देखे ले लिया मैंने एलेटिन का, ठीक है, ये एलेटिन का काजल भी मैंने लिया है। उसके बाद ये सारे बैंगल्स मेरे देखिए, ये सारे कलर्स की बैंगल्स जो कि मोस्टली यूज़ हो सकती है। ये आपका ग्रीन है, प्लेन ग्रीन, ये आपका रेड है, मैं रेड क्या मैरून आप बोल सकते हो, ये आपका येल्लो है, ये ब्लैक कलर के समथिंग इसमें वर्क किया हुआ है, ये भी रेड कलर के है, और ये बेलबट वाली जो भी निकली है ना ये वो वाली बैंगल्स है। तो ऐसे बैंगल्स हम लोगों ने ले लिया कि चलो कम से कम फेस्टिवल होगा तो काम पड़ेगा। तो आप ऐसा सामान देख रहे हो फ्रेंड। उसके बाद सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कि लिपस्टिक है, तो आप देख रहे हैं मैंने तीन चार सेट्स की मैं लिपस्टिक लेके आई हूँ। सबसे पहला स्विस ब्यूटीज के ही मैं लिपस्टिक लेके आई हूँ, चार सेट्स हैं ये। मैं कौन कौन से सेट्स लेके आई हूँ ना, ये मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। मैट की लिपस्टिक, रेवलॉन की लिपस्टिक, आप ये देखिए एकदम, ये मैंने अभी यूज़ भी नहीं किया है, मैंने सोचा कि पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखिए सारे क्लचर्स हैं, रबर बैंड्स हैं, ये क्लचर्स मैंने मेटल्स के ले लिए हैं क्योंकि फेस्टिवल में थोड़ा सा मेटल्स के भी लगाने रहते हैं, अच्छे लगते हैं पूजा वगैरह में। ये रबर बैंड है, आप बंद बनाओ तो ज़रूरत रहती है। और एलमंड ड्रॉप का तेल है फ्रेंड्स, इसे बालों में मैं यूज़ करती हूँ, लगाती हूँ, बाल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। लेकिन मैं यूज़ कैसे करती हूँ वो भी मैं वीडियोस जल्दी शेयर करूँगी। मेहंदी का कोन है, उसके बाद हैंकीज़ है आप देख रहे हैं, और ये रहे मास्क। मास्क देखिए मैंने आपको कलेक्शंस अपने मास्क के शो किए हैं, ये देखिए ये सारे मास्क है, बहुत अच्छे हैं, बॉडी केयर के मास्क हैं ये। और ये आप ये देख रहे हैं ये भी मास्क है, दो दो मैंने ले लिए हैं। और बस यही सारे सामान फ्रेंड्स हम लोगों ने शॉपिंग किया हुआ है, ये आप देख रहे हैं। बिंदी के कलेक्शंस तो आप देख ही लीजिए कितने अच्छे अच्छे बिंदी है, मैंने प्लेन बिंदी भी लिया हुआ है, स्टोन वाली भी लिया है, आप ये देख रहे हैं। और एक साथ इसलिए ख़रीदा है फ्रेंड क्योंकि स्टॉक नहीं है, अभी फिर से लॉकडाउन स्टार्ट होने वाले हैं
तो ये सारी चीज़ें मैंने खरीद ली है और मैंने सोचा कि शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट करिएगा कि कैसा लगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने ये बास्केट ख़रीदा है, ये जो भी मेरे सारे सामान है ना, जैसे नेल पेंट्स हो गए, लिपस्टिक्स हो गए, क्लचर्स हो गए, मैं सब कुछ इसमें रख देती हूँ तो इसमें सेफ पड़ा रहता है। तो ये सारे हो गए फ्रेंड्स, अपने सामान दिखा दिए और आपको मैंने ये बास्केट के बारे में बताया है कि इस बास्केट का यूज़ मैं जितने भी मेरे क्लचर्स होते हैं, लिपस्टिक्स होते हैं, नेल पेंट्स होते हैं, उनको रखने के लिए करती हूँ। बहुत ही अच्छा रहता है। देखिए ये मेरे जितने क्लचर्स हैं, क्योंकि अब मुझे रखना है तो मैंने सोचा कि ये भी रिकॉर्ड कर लूँ। आप ये देखिए, ये सारे क्लचर्स मैं रख रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये रबर बैंड्स भी मैं इसमें रख ले रही हूँ, ठीक है। लिपस्टिक का ये दोनों ठीक है, और ये मुझे प्लास्टिक में रखना पड़ेगा। ये मैं कोन भी इसमें रख ले रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि आपको पता रहता है कि मेरे सारे सामान कहाँ होंगे। ये सारी चीज़ें तो मुझे अलग से रखनी पड़ेंगी। ये नेल पेंट आप देखिए, ये मैंने 5 कलर्स के ख़रीद के लेके आई हूँ। ये 5 कलर्स के मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी इसके रिव्यूज़ और कैसे हैं, जल्दी मैं वीडियोज़ लेके आऊँगी फ्रेंड्स। हाँ, और चलो ये तो मुझे अलग से करके रखना है, इसका तो कोई ज़रूरत है नहीं। ये दोनों मैंने, मेरा ये देखिए, मैंने मेकअप रिमूवर और प्राइमर है, बहुत अच्छा है यार। तो ये भी मैंने इसी में रख दिया है। ये मैं अपना ईयरिंग्स, आप ये देख रहे हैं, ईयरिंग्स मैंने ख़रीदा है। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं इसमें करके रख दे रही हूँ। और मेकअप ब्रश का आप ये चीज़ देखिए, मैंने आपको बताया ना ये चीज़ें, आप ये देखिए सारे मेकअप ब्रशेज हैं। आप ये देखिए, इसको मैं चुपचाप इसमें ही देखिए ऐसे करके रख दे रही हूँ। कितना सेफ है, आप ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये देखिए, अरे यार, ये देखिए ये, और इसे क्लोज कर दे रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, सेफ हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और ये मेकअप ब्रश मेरा ये हो गया, ठीक है। इन सारी चीज़ों को तो मैं एक साथ मुझे रखना पड़ेगा। हाँ, ये जो है ये मुझे इसमें रखना है। ये मेरा आईलाइनर एंड काजल भी मुझे इसी में रखना है, ठीक है। बिंदी आप देखिए, ये बिंदी मैं अलग से रखती हूँ फ्रेंड्स। ये मेरी ऑफिस की भी बिंदी है इसमें, और मेरी स्टोन्स की बिंदियाँ हैं, आप देख रहे हैं। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी, लेकिन मैं और भी आपके साथ कलेक्शंस अपने शेयर करूँगी कि मेरे पास कौन कौन से बिंदी के कलेक्शंस हैं। तो वो चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी, आप ये देख रहे हैं। तो ये मैंने रख दिए हैं, और मैं कुमकुम भी यूज़ करती हूँ, एक दिन यूज़ करूँगी आप लोगों के साथ, तो इसे मैं मुझे अलग से करके रखने हैं, ठीक है। और हाँ, लिवॉन का, लैक्मे का, ये जो चीज़ें हैं ये मैंने इसमें करके रख दी। इससे क्या रहता है ना, मुझे पता रहता है कि छुटपुट चीज़ें हैं, मैं इसमें बॉक्स में करके रखती हूँ, ठीक है। हाँ, रहमत बैंगल्स की, तो मैं बैंगल्स देखिए मैंने खोला हुआ है, तो इसे मैं बंद करके वन बाई वन रख देती हूँ सेफली। ये देखिए, क्योंकि अभी फेस्टिवल पे बहुत यूज़ करना है। अभी जा करके तो आज मैं फ्री होंगी कि चलो यार, मैंने लोगों के साथ शेयर कर दिया वीडियो कि मैं क्या क्या लेके आई, वरना ना पता है बहुत ज़्यादा सामान फैला रहता है। ये देखिए, तो ये हो गए बैंगल्स, ये देखिए सारे बैंगल्स मैंने कर दिए हैं बंद। कितने, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस बैंगल्स हैं। तो बस ये सारे सामान अभी जाकर के मैं समेटूंगी फ्रेंड्स। और बस आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो हमेशा के जैसे अच्छा लगा होगा। लेकिन प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।